बल्कि इनकर छाप वैकारणिक विशिष्टता कौमा मुहावरा कौमा छंद कौमा काव्यधारा चिंतन काव्यधारा चिंतन और कथानक रूढ़ी मन में हो रूढ़ी मन में हो नितांत अस्पष्ट आहे रूढ़ी मन में हो नितांत अस्पष्ट आहे अस्पष्ट आहे लिखो ना। नेक्स्ट अब व्याकरणिक में थोड़ा घुस रहे हैं हम लोग, ठीक है। व्याकरणिक पोर्शन में अब घुस रहे हैं। अब तक शब्द वाला बता दिए, अब उसके बता रहे हैं कि भाई इससे अब आगे निकल गया है शब्द से ऊपर। सोमधी लिखा हुआ, सोमधी समधी दौरा दौरा तुम्बा तुम्बा, ठीक है। नेक्स्ट जनजातीय भाषा तैर नागपुरियों में सामान्य वर्तमान कर वर्तमान सामान्य वर्तमान कर दूगो सहायक क्रिया है और हेके प्रचलित आहे है हा या है नहीं लिखते हैं नागपुरी में है का, फिर से बोल दे। जनजातीय भाषा तैर नागपुरियों में सामान्य वर्तमान कर दुई गो सहायक क्रिया है और हेके प्रचलित आहे हिया कर आग्नेय भाषा मन में वही मुंडा वाला क्षेत्र होगा, मुंडा भाषा परिवार वाला। आग्नेय भाषा मन में ई ताना और मेना ताना तम्याकार नम्याकार ताना और मेना का रूप में विद्यमान आहे वही सहायक क्रिया के रूप में, जिसे नागपुरी में है और है क्या है ना, तो जो मुंडारी परिवार वाला सदस्य है उसमें ताना और मेके प्रयोग करते हैं, ठीक है। और द्रविड़ शाखा कर भाषा मन में रई और हिके क्या हुआ, द्रविड़ शाखा कर भाषा मन में रई और हिके, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सजीव निर्जीव संज्ञा पद कर अनुसार जनजातीय भाषा मनक क्रियापद में अंतर होवेला। सजीव निर्जीव संज्ञा पद कर अनुसार जनजातीय भाषा मनक क्रियापद में अंतर होवेला। इस संदर्भ में नागपुरियों में ईसन प्रयोग देखल जायला। इस संदर्भ में नागपुरियों में
ईसन प्रयोग देखल जाएला। जैसे इस संदर्भ में नागपुरियों में ईसन प्रयोग देखल जाएला। जैसे सजीव के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सब आदमी चल गए, क्रियापद में देखो कैसे लिख रहे हैं। सजीव के लिए क्या लिख रहे हैं, जैसे सजीव लिख के डैश लो, सब आदमी चल गए। और निर्जीव के लिए क्या लिखेंगे, निर्जीव करके डैश दो, सब घर गिर गेलक। तो क्रियापद में किस तरह हम लोग चेंज हो रहा, अंतर होता है, उसको ये चीज़ बता रहा, ठीक है। हाँ, निर्जीव के लिए सब घर गिर गेलक, सब घर गिर गेलक। नेक्स्ट पैराग्राफ, फाइनल स्टेज में घुस रहे हैं, चलो नेक्स्ट। एहे तैर नागपुरी गीत मनक, एहे तैर नागपुरी गीत मनक, राग लय, एहे तैर नागपुरी गीत मनक, राग लय, ताल में जनजातीय गीत मनक, राग लय ताल कर भरपूर समन्वय होई है। एहे तैर नागपुरी गीत मनक, राग लय ताल में जनजातीय गीत मनक, राग लय ताल कर भरपूर समन्वय होई है। क्या छूटा, एहे तैर नागपुरी गीत मनक, राग लय ताल में जनजातीय राग लय ताल गीत मनक, राग लय ताल कर भरपूर समन्वय मिल है, होई है। नागपुरी लोकगीत लोक नृत्य और लोक वाद्य सदान वाद्यंत्र जो लोक वाद्य नागपुरी लोकगीत लोक नृत्य और लोक वाद्य वाद्यंत्र वाला वाद्य सदानी और आदिवासी संस्कृति कर आदान प्रदान से प्रभावित भैर नी हुई है। सदानी और आदिवासी संस्कृति कर आदान प्रदान से प्रभावित भैर नी हुई है, बल्कि अपितु विकसित और समृद्ध हुई है। फिर से बोल दे रहे, नागपुरी लोकगीत लोक नृत्य और लोक वाद्य सदानी और आदिवासी संस्कृति कर आदान प्रदान से प्रभावित भैर नी होई है, अपितु विकसित और समृद्ध होई है। मुदा समय कर संगे नागपुरी भाषा अपन मधुरता से नागपुरी भाषा अपन मधुरता से सौ भाषा मनक सर्वसाधारण जन मन के
सौ भाषा मनक सर्वसाधारण जन मन के अपन ओर खींचे। वही चेंजिंग फॉर्म वहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे आज के समय में जो अभी थोड़ा देर पहले बात कर रहे हैं ना, आज के समय में कैसे जनजातीय संस्कृति में भी नागपुरी एक मत जो संपर्क भाषा था, यहाँ इस तरह का लैंग्वेज यूज कर सकते थे। पहले जनजातीय भाषा में नागपुरी क्या था, एक संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब वो धीरे 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 न मातृभाषा का रूप लेते जा रहा है। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि नागपुरी अपना मधुरता से, अब कुछ तो लिखना होगा ना, वही लिख रहा है, नागपुरी अपना मधुरता से अन्य जितना भी जनजातीय भाषा को अपनी ओर खींच रहा, उसके सारे लोगों को खींच रहा, उसके जितने भी सर्वसाधारण लोग हैं उसको अपनी ओर खींच रहा, उसका उदाहरण आप इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यह कारण आहे कि आजकल सधान भर नहीं बल्कि मुंडा उरांव खड़िया आदि हो अपन मंच से नागपुरी लोकगीत नृत्य और बाद्य मन में गोटा तन्मयता पूर्वक रम जा हैं। फिर से बोल रहे हैं, बल्कि मुंडा उरांव खड़िया आदि हो अपन मन से नागपुरी लोकगीत नृत्य और बाद्य मन में गोटा तन्मयता पूर्वक रम जा हैं। गोटा पूरी तरीके से तन्मयता पूर्वक रम गया है, वो कहने का मतलब है। फिर से बोल दे रहे हैं इस लाइन को, यह कारण आहे कि आजकल सदान भर नहीं बल्कि मुंडा उरांव खड़िया आदि हो अपन मन से नागपुरी लोकगीत नृत्य और बाद्य मन में गोटा तन्मयता पूर्वक रम जा हैं। कंक्लूजन की ओर चलो। अब नागपुरी में अन्य दोसर बोली और भाषा मनक प्रभाव नागपुरी में अन्य दोसर बोली और भाषा मनक प्रभाव ई प्रमाणित करेला कि नागपुरी एगो सतत गतिमय और ग्रहणशील भाषा रही है। जेकर द्वार जेकर द्वार विकास और नूतन प्रभावले हमेशा खुल रहे। हमेशा ओपन था कि जो भी नवीन चीज़ आ रहा है उसको हम ग्रहण कर लेंगे, और यही ग्रहणशीलता की विशेषता रहा है कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा और डेवलप होते चला गया। ठीक है, जे जहाँ से मिलक उके लेख में तनिको संकोच नहीं होई नहीं करलक, जे जहाँ से मिललक उके लेख में तनिको
संकोच नी होई है। कौन में संकोच तनिको संकोच नी होई है और कोनवे जीवंत भाषा में, कोनवे जीवंत भाषा में ई विशेषता होएक चाही। कोनवे जीवंत भाषा में ई विशेषता होएक चाही, अन्यथा उकर ह्रास निश्चित आहे। अन्यथा उकर ह्रास या विनाश निश्चित आहे। उकर ह्रास या विनाश निश्चित आहे। ठीक है, कंप्लीट। अब यही जगह तीन कोस में बदले पानी, सात कोस में बदले पानी को लास्ट में कंक्लूड भी कर सकते हो यहाँ से लिख के। यहाँ तक समझ में आ गया, कंप्लीट हुआ? हाँ मैडम भी आ गई है नेक्स्ट क्लास के लिए। क्या टाइम हो रहा, हो गया क्या, पार हो गया? फोन कहाँ मेरा, कितने बजे मैम क्लास आपका, हो गया टाइम आपका? 10:30 हो ही गया। हाँ तो नेक्स्ट हम लोग कल क्या करेंगे, अब हमको ये बताओ, दो चीज़ है इसमें, ठीक है। देखो एक चीज़ है जो अब तक क्वेश्चन नहीं है, एक तो हम लोग को भाषा, भाषा का उद्भव विकास है, विकास ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसमें फैक्ट को समझने वाला चीज़ है, मतलब देखने वाला चीज़ है बस। उसके बाद एक जो अभी तक से क्वेश्चन नहीं आया है, क्यों नहीं आया है आई डोंट नो, बट एक है जो हमको लगता है जब सब कुछ कर रहे हैं तो हम लोग उसको कर लेंगे। अगर अभी करना चाहो अभी कर लो, बाद में करना चाहो बाद में करो, मर्जी तुम लोग का है। कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा कि विभिन्न विद्वान मत का विचार को रखना है, उसमें क्या विचार रखना है भाई, नागपुरी भाषा के लिए। जैसे ग्रियसन साहब थे, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह थे, ये सब थे ना, ये हमेशा ग्रियसन साहब के मत को एस्टैब्लिश किए, सपोर्ट किए। लेकिन जैसे ही श्रवण कुमार गोस्वामी आए और वो अपना कुछ रीज़न बताए, कुछ फैक्ट बताए, कुछ आधार बताए, जिससे साबित होता है कि नागपुरी भाषा एक इंडिपेंडेंट भाषा है या बिहारी बोली का चौथा भाषा है, भोजपुरी का उप बोली नहीं है या विकृत भोजपुरी नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि आपको अपना तर्क देना है। तर्क अपना थोड़ी होता है, या तर्क तो प्रोफेसर लोग का ही तर्क होता है, तो वो तर्क देना है कि कैसे भोजपुरी का उप या विकृत भोजपुरी नहीं है नागपुरी। एक तरीके से यह क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन हमको बस यही एस्टेब्लिश करना है, क्वेश्चन का रूप कुछ भी हो सकता है कि नागपुरी इंडिपेंडेंट भाषा है, भोजपुरी का विकृत भाषा नहीं है, या भोजपुरी के अंतर्गत भाषा नहीं है, या ग्रियसन साहब को ये क्वेश्चन पूछ देगा कि डॉक्टर ग्रियसन का जो मत था उसका खंडन करना है आप लोगों को। इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन अभी तक से नहीं आया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों नहीं आया। या हो सकता है निबंध के रूप में, किसी रूप में, फॉर्म में दे, तो इस तरीके से चीज़ों को देखना। तो ये जो फैक्ट है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर बोलोगे तो हम करा देंगे डायरेक्टली। ये सिलेबस में तुमको नहीं दिखेगा, लेकिन सिलेबस का हर पार्ट में ये घुसा हुआ, खासकर फर्स्ट वाला सेक्शन में हर पार्ट में घुसा हुआ ये क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्टली दिखेगा नहीं, इनडायरेक्टली कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कर लेना चाहिए। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? हाँ सब इसको करके, इसको करके अगर भाषा इसमें तो चलो ज़्यादा इसमें नहीं है, खाली फैक्ट फैक्ट चीज़ है। उसके बाद हम लोग सीधे साहित्यिक वाला ही घुस जाए ना, उसी में घुसे ना, बोलो नहीं तो फिर बोलो कि नहीं सर ये टफ लगता है, इसको पहले घुसो, पहले बता दो उसमें घुसे। हाँ वो कहीं भी नहीं मिलेगा,
कुछ जमा किए हैं बस चार कौन, अरे उसमें खाली साहित्य गुलन खाली बस नाम को टोटल जमा किए हैं पर मिल नहीं रहा है कुछ ऐसे। अच्छा ये इसका डिटेलिंग जमा किया है? हाँ। कोई नहीं, हम मेरे पास है ना, हम करा देंगे, हमारे सब जगह कलेक्शन है, खाली टेंशन ले रहा। खाली एक चीज़ बन कैमरा का बुक ले लीजिएगा आप लोग, बन कैमरा का, या फिर बोले इसका पीडीएफ हम बना के पीडीएफ शेयर कर देंगे, उसका प्रिंटआउट निकाल लीजिएगा आप लोग, जैसा करना। इसका बुक ले लीजिएगा, ये लेना होगा, बाकी बुक के चक्कर में मत पड़िए, बहुत सब कुछ स्कैटर्ड है नागपुर में, जितना मैटर है स्कैटर्ड है, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं कुछ किसी बुक में कुछ मिल रहा, तो कितना बुक खरीदिएगा? हाँ ये भी एक बचा हुआ है ना, तो इसको ग्रामर के साथ कर देंगे ना, तुम ही लोग ना बोलो कि ग्रामर बाद में करने के लिए, क्योंकि ये सब हेडेक वाला चीज़ नहीं है, ये हेडेक वाला चीज़ नहीं, ये सब नहीं है, ग्रामर उमर हो गया, वाक्य रचना वगैरह, साहित्य साहित्य साहित्यकार शुरू कर देंगे लोग, साहित्य वाला पोर्शन को है ना, लोक साहित्य वगैरह जितना भी है ना, लोक साहित्य साहित्य साहित्यकार इधर का सेक्शन को उठा लेंगे, और थोड़ा सा देखेंगे कि एक एक कविता वगैरह उठाते हुए कोशिश करेंगे कि जल्दी कंप्लीट कर दें। कौन सा पद में? पद में हाँ, तो हम एक दो पद को ना हम बता देंगे, एक दो पद का कविता का ना पूरा लिखने का तरीका बता देंगे, उसमें लगभग ना 50% पार्ट ना कॉमन रहेगा, उसके बाद हम लोग चल जाएंगे, उसके बाद सिर्फ चीज़ कॉमन है यार, इजी है वो वाला सेक्शन, जितना टफ दिख रहा उतना ही इजी है, ये सब में फैक्ट बहुत याद रखना होता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें हल्का समझ गया काम हो गया, ठीक है। चलें मैडम, क्लास हो रहा है, टाइम चलो। 9 बजे आ जाइए।